खाद्य सुरक्षा कानून का जो धारा 24 है उसके अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भ्रामक विज्ञापन को यदि करता है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि निर्माता कंपनी दोषी है। मैगी के मामले में जहां एक और मैगी निर्माता की ओर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा, जिन्होंने अपने विज्ञापन में बार बार ये कहा कि ये हेल्दी फूड है और इससे स्वास्थ्य और अच्छा रहता है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की है। वो सारे ऑफिसर्स फूड सेफ्टी अथॉरिटी के जिन्होंने इसको स्वीकृति दी थी उनकी तरफ भी कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई है। तो आज हमने श्री रामविलास पासवान और श्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र भेजकर ये मांग की है कि इस सारे मामले की पूरे तौर पर जांच होनी चाहिए और अभी तक ब्रांड एम्बेसडर्स के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि वो कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अमिताभ बच्चन और तमाम जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने अपनी ओर से भी क्लेरिफिकेशन दिया है उसके बाद? नहीं, देखिए उन्होंने क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, सवाल ये उठता है कि जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जब वो कोई भी एंडोर्समेंट करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होता है और जो वो राशि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लेते हैं वो उस वस्तु की कॉस्ट में शामिल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स मैकेनिज्म का एक पार्ट बन जाते हैं। और अगर वो तो कल को अगर वो आज ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था, तो कल कोई आदमी जहर बेचेगा और वो जहर का विज्ञापन करेंगे तो वो बाद में ये कहने की नहीं हमें इसका नहीं पता, हम उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर जिम्मेदारी नहीं है तो फिर उनको एंडोर्समेंट करने की जरूरत क्या है, किसी विज्ञापन में आने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर आप विज्ञापन में आएंगे तो जिम्मेदारी भी आपको विज्ञापन की लेनी पड़ेगी, इससे आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।